हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारा इस वीडियो पर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट लो बजट मूवीज के बारे में, जो अपने बजट से 10 गुना ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 10 ऐसी मूवी है। नंबर 10, अंधाधुन 8 में रिलीज ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जहाँ पर आयुष्मान खुराना के साथ राधिका आप्टे एंड तब्बू लीड रोल में नजर आए थे। इस मूवी को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया था, जिसका बजट करीब 32 करोड़ रखा गया था और इस मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन रही 456.98 करोड़ की। इस मूवी की बेहतरीन ट्विस्ट के साथ जबरदस्त स्टोरी लाइन लोगों को क्लिक कर गई। नंबर 9, द कश्मीर फाइल ईयर 2022 में रिलीज ये मूवी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म थी, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनुपम खेर, पल्लवी जोशी जैसे बेहतरीन एक्टर नजर आए थे, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था, जिसका बजट करीब 25 करोड़ रखा गया था और इस मूवी ने अपने लाइफ टाइम की कलेक्शन करी 340.92 करोड़ की। इस मूवी को कई सारे नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था। नंबर 8, कार्तिकेया 2 ईयर 2022 में रिलीज ये साउथ इंडियन मूवी अपनी स्टोरी दमदार होने के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत कम टाइम के अंदर इस मूवी ने पॉपुलरिटी गेन कर ली थी, जहां पर निखिल सिद्धार्थ के साथ अनुपम खेर, अनुपमा परमेश्वरन जैसे बेहतरीन एक्टर नजर आए थे, जिसको डायरेक्ट किया है चंदू मंदेती ने। एंड इस मूवी की बजट करीब 15 करोड़ की लो बजट रखा गया था और इस मूवी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर 117.87 करोड़ की कलेक्शन करके जबरदस्त हिट रही थी और इस मूवी की जबरदस्त कलेक्शन को देखकर मेकर्स ने थर्ड पार्ट भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 7, मिन्नल मुरली ईयर 2021 में रिलीज ये फर्स्ट मलयालम लैंग्वेज की सुपर हीरो फिल्म थी, जिसका बेहतरीन स्टोरी लाइन और ऑसम एग्जीक्यूशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कोविड की वजह से मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, बट जब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को रिलीज किया गया तब लोगों को स्टोरी क्लिक कर गई और ये मूवी मोस्ट वॉच मूवी बन गया था। मूवी की बजट करीब 18 करोड़ रखा गया था और मूवी की व्यूज़ को देखकर इस मूवी ने करीब 95 करोड़ की कलेक्शन कर लिया था, जहां पर टोबिनो थॉमस सुपर हीरो के रोल में नजर आए थे और इस मूवी को बसिल जोसेफ ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी की इतनी पॉपुलरिटी को देखकर नेटफ्लिक्स ने उसकी सेकेंड पार्ट अनाउंस कर दिया है। इसके होश में आने से पहले मैं नंबर 6, वीरूपाक्षा ईयर 2023 में रिलीज ये एक साउथ इंडियन हॉरर मिस्ट्री सुपरनेचुरल फिल्म थी, जिसे पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर KV दांदू ने डायरेक्ट किया था, जहां पर लीड में साई धर्म तेज, संयुक्ता और सुनील वर्मा जैसे बेहतरीन एक्टर नजर आए थे। इस मूवी की स्टोरी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया था, जिसके वजह से मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था, जिसका बजट करीब 40 करोड़ रखा गया था और इस मूवी ने अपनी लाइफ टाइम की कलेक्शन रही 103 करोड़ की। एंड इस मूवी की स्टोरी लोगों को बहुत ही यूनिक लगा था। नंबर 5, द केरला स्टोरी ईयर 2023 में रिलीज ये एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म थी, जिसे सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया था, जहां पर आदा शर्मा लीड रोल में नजर आए थे। इस मूवी की बजट करीब 15 करोड़ के लो बजट में बनाया गया था और ये मूवी अपनी लाइफ टाइम कलेक्शन करी 303.97 करोड़ की। एंड गाइस, इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था और बहुत सारा नेगेटिव रिव्यू भी मिला था, बट ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। हिम्मत इंसान के सीने की आग। नंबर 4, कांतारा ईयर 2022 में रिलीज ये एक कनाडा लैंग्वेज की बेहतरीन सुपरनेचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, जहां पर एक नॉर्मल आदमी के अंदर एक देवी आ जाती है, जिसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है और इस मूवी के अंदर ऋषभ शेट्टी सर जबरदस्त एक्टिंग के साथ बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी दिया है। एंड इस मूवी की इतनी लो बजट रखा गया था कि आप सोच नहीं सकते। मूवी की बजट करीब 16 करोड़ रखा गया था और इस मूवी ने अपने लाइफ टाइम के अंदर 450 करोड़ की कलेक्शन करके जबरदस्त हिट रही थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। प्रशासन की तरफ से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
नंबर 3 2018 ईयर 2023 में रिलीज ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री सर्वाइवल ड्रामा फिल्म थी, जहां पर केरला में हुई 2018 में आई बाढ़ के ऊपर बेस्ड फिल्म थी, जिसे जे ए जोसेफ ने डायरेक्ट किया था, जिसमें टोबिनो थॉमस, आसिफ अली एंड बहुत सारे एक्टर नजर आए थे, जहां पर मूवी की बजट करीब 26 करोड़ की लो बजट के अगेंस्ट में बनाया गया था और इस मूवी ने 177 करोड़ की कलेक्शन करके जबरदस्त हिट रही थी। बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म थी जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के लाइफ के ऊपर बनाया गया था, जिसमें विक्रांत मेसी एंड मेधा शर्मा लीड में नजर आए थे, जिसका बजट करीब 20 करोड़ रखा गया था और ये मूवी अपनी लाइफ टाइम कलेक्शन करी 70 करोड़ की एंड इस मूवी बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी किया था। मूवी की स्टोरी सच में यूनिक और बेहतरीन है और बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, तो अगर आप नहीं देखा है तो दोस्तों ये फिल्म आपके लिए सही साबित हो सकती है। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सर धड़ से अलग कर दूंगी। नंबर 1 हनुमान ईयर 2024 में रिलीज ये एक साउथ इंडियन प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म थी, जिसके अंदर हनुमान की सुपर पावर की स्टोरी को दिखाया गया था, जहां पर एक नॉर्मल आदमी के अंदर हनुमान की रक्तमणि आ जाने के बाद पावर कैसे मिलती है और कैसे वो यूज़ करती है, वो स्टोरी इसके अंदर देखने के लिए मिला था, जिसे प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया था। और इस मूवी के अंदर तेजा सज्जा, अमृता आयर, वारालक्ष्मी, वनीला किशोर जैसे बेहतरीन एक्टर नजर आए थे एंड इस मूवी की बजट करीब 20 करोड़ रखा गया था और इस मूवी ने अब तक 290 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है एंड गाइस आने वाला टाइम में ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है। मूवी की बेहतरीन प्रेजेंटेशन और बेहतरीन स्टोरी के बावजूद मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मूवी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है और सिंपल स्टोरी के साथ मूवी आती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा भा रही है और अभी तक पसंद आ रही है। तो गाइस ये थी हमारी तरफ से एक डेडिकेटेड वीडियो टॉप 10 लो बजट के ऊपर बनी मूवीज़ के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल के थ्रू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक बेहतरीन और एक नया रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।